वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज योर होस्ट प्रतीक एंड आप देख रहे हैं मोटिवेशन। कैसे हैं सब? होप करता हूँ सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, सेफ होंगे अपने घरों में। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो स्पेशली उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए डेडिकेटेड है जिनको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का शौक है, अपनी गाड़ी को थोड़ा सा अलग दिखाना चाहते हैं, अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा बजट कंसर्न है फॉर व्हाटएवर रीजन, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं जो भी है। तो उनके लिए वीडियो है जिसमें आपको दिखाने वाला हूँ कि सेकंड हैंड मार्केट के अंदर क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपनी कार को सजाने के लिए, अपनी गाड़ी को और टेस्टफुली अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, स्पेशली अलॉय व्हील्स और टायर के लिए। तो आज की चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मिलाते हैं अरान भाई से, जो कि इस मार्केट में कम से कम 15 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस बैठे हैं, जिनकी शॉप है मायापुरी के अंदर। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, भाई के पास जो कलेक्शन है और जो क्वालिटी है वो हमारे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी, इसकी वजह से आप इनके साथ एक कोलैबोरेशन वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो व्यूअर्स, तो अगर अरान भाई की बात करें तो अरान भाई, जैसा आप सबको पता होगा, बहुत एक जाना माना चेहरा हमारे यूट्यूब पर, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि भाई के पास जो डिस्प्ले होती है और जो क्वालिटी होती है, भाई कोई पेड प्रमोशन नहीं है, भाई का काम मैं नहीं बोल रहा, यूट्यूब एक बार सर्च कर लो, अपने आप पता लग जाएगा कि भाई के पास स्पेशली क्यों आए हैं। तो अरान भाई, एक बार छोटा सा अपने शॉप पर अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा इंट्रोडक्शन तो खैर आपको दिख रहा होगा पूरी शॉप से, बाकी यहाँ पे टाइम हो गया काफ़ी, 15-1 साल हो गए मुझे इसी लाइन में इसी काम को करते हुए, तो जो चीज़ पूरी मार्केट में कहीं प्रेजेंट नहीं होगी वो इस शॉप पर आपको मिल जाएगी। चीज़ बहुत बढ़िया मिलेगी, क्वालिटी में मिलेगी, जो भी बात होगी जेन्युइन तरीके से होगी, मतलब जो बात बोली जाएगी वही मिलेगी, हर तरह का काम होता है यहाँ पे भी। मार्केट में बैठे हुए हैं तो मार्केट में कोई फेक काम नहीं करेंगे, कोई वो नहीं करेंगे। बहुत सारे मार्केट में बंदे ऐसे हैं जो बोलते हैं जेन्युइन है चीज़ में, पर होता टायर गुड्डी कटा हुआ है, बोलेंगे चीज़ को जेन्युइन पेंट है पर होगी पेंटेड, यहाँ पे वो धोखा नहीं मिलेगा, जो होगी बात बिल्कुल क्लियर, कट टू कट फेस, मतलब बिल्कुल क्लियर करते हैं कि पेंटेड है तो पेंटेड है, पेंट नहीं है तो पेंट नहीं है, जेन्युइन टायर है तो जेन्युइन टायर है, गुड्डी कटा हुआ है तो गुड्डी कटा हुआ है। ये स्पेशलिटी अपनी शॉप की, तो बेसिकली जो यूएसपी है वो है ट्रांसपेरेंसी, कि अगर कोई चीज गुड्डी कटी हुई भी है, अगर वो रिपेंटेड भी है तो कह के देते हैं बिल्कुल साफ। ऑब्वियसली बात है, क्वालिटी के लिए भाई पैसे देने पड़ते हैं। बहुत लोगों का आता है कि भाई मायापुरी में भी इतना महंगा क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप क्वालिटी चाहे माया बाहर से ले लो, और नए पुराने ऑलवे भी उसका तो कुछ होता ही नहीं, घिसता ही कुछ भी नहीं घिसता, सिर्फ पेंटेड और नॉन पेंटेड होता है बस, और पेंट होने के बाद अलॉय व्हील का लुक नया जैसा जाता है बिल्कुल। और चलिए इस वीडियो एंड स्टार्ट करते हैं। और भाई अगर हम अलॉय व्हील के साइजेस की बात करें, हमारे पास किस तरह से लेके किस साइज तक अलॉय व्हील है? अपने पास 12 इंची से लेके 20 इंची तक अवेलेबल है अभी, 12 से लेके 20 इंच। जो आज हम डिस्प्ले दिखाने वाले हैं वो 12 से 20, और कुछ स्पेशल अलॉय ऐसे हैं। और एक मिसकंसेप्शन होती है बहुत लोगों की भाई, जो पहले चलता था कि अगर अलॉय व्हील सेकंड हैंड होता है तो वो डिजाइन होता है जो कोई लेता नहीं है, बाबा आदम के जमाने के जो पहले चलता था, लेकिन हम आपको वो डिजाइन दिखाने वाले हैं जो कि नए भी अच्छी अच्छी शॉप वाले भी नहीं रखते बिल्कुल। अरान भाई, 12 इंचेस को अभी थोड़ा साइड रखते थे, क्योंकि बहुत रेयर केस में गाड़ी आती है जिनमें 12 इंच इंस्टॉल होते हैं। बहुत कम केस में, अब मतलब दिल्ली में तो बहुत कम लगवाते हैं लोग बिल्कुल। अब जो दिल्ली में कम से कम है वो 13 इंच ही है जी। 13 इंच में अपने पास नए भी मिल जाएंगे, ओल्ड भी मिल जाएंगे, नए का दोनों पैटर्न ये मिल जाएंगे, दोनों कलर है सेम पैटर्न के। ये न्यू अलॉय व्हील, न्यू अलॉय व्हील पेटी पैक ठीक है, ये पड़ेगा आपको 14,000 रुपए का सेट ठीक है। और टायर अलग है। हम जितने भी आज वीडियो में प्राइस बताएंगे उसमें हर अलग के साथ मेंशन कर देंगे कौन से टायर के साथ है, कौन से टायर के बिल्कुल बिल्कुल कट टू कट क्लियर बात करेंगे बिल्कुल जी। ये मिल जाएगा आपको 9,000 रुपए का सेकंड हैंड अलॉय व्हील है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल सेकंड हैंड, ये तीनों ही सेकंड हैंड नहीं लग रहे हैं, और ये चौथा डिजाइन में देख रहे हो मल्टी स्पोक में, ये भी सेकंड हैंड है अलॉय, ये भी सेकंड हैंड है ठीक है। और ये क्रोम है, ये क्रोम है, अंदर पेंट होगा बाहर क्रोम है ये ठीक है। और क्रोम आप देख सकते हो सेकंड हैंड के हिसाब से भी हार्ड क्रोम टाइप है, अभी तक जो फेड नहीं हुआ इतने यूज होने के बाद भी। तो रन भाई अगर 13 इंच के बाद चले 14 इंचेस पे, 13 में 14 में 13 में 14 में हम डील कम करते हैं, बाकी हमारी जो स्टार्टिंग है वो 15 से ज्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि 15 से जो यूजुअल जितनी मार्केट में आजकल गाड़ियां इन्हें जो मॉडिफाई होती है 15 से स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो 15 की डिस्प्ले दिखा देते हैं पहले, 15 में आपको ये मिलेंगे, देखो डिजाइन ये मिलेंगे 15 में आपको, फर्स्ट ये मिल जाएगा 5 स्पोक ठीक है, सेकंड ये मिल जाएगा प्लाटी ठीक है, ये यूनिवर्सल, ये बीबीएस सबसे रनिंग डिजाइन अभी मोरक्का, जिसको कुछ नहीं समझ आओ बीबीएस लगा लो। हाँ जी, ये 15 इंच में ये डिजाइन है, और बाकी 15 इंच में 2-3 डिजाइन वहाँ पे अभी है मेरे पास ठीक है, दिखा देते हैं भाई एक बार। 15 इंच में आपको प्लाटी वाला मिल जाएगा, फर्स्ट वाला प्लाटी ठीक
ये क्रोम के अंदर है, ये क्रोम के अंदर हाइपर सिल्वर है, ठीक है। उसके बाद ये मिल जाएगा 15 इंच में वोल्टो वोल्टो के लिए। ये बहुत आजकल डिजाइन है ना, आप देख सकते हैं काफी गाड़ियों में लोग लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो मिल जाएगा प्लाटी डिफॉल्ट इस पे लिखा हुआ है, जिसमें टायर स्टिकर इंस्टॉल्ड है। ये कस्टमर की चॉइस है, वो दूसरा टायर, हां ये कस्टमर चॉइस है। टायर चाहे जैसे मेंशन करो उसके ऊपर, अलाइविल के ऊपर टायर चाहे जैसे मेंशन करो, वो आपके हेडेक है। अगर आप बोलोगे हमें यही लगवाना है, मतलब अपने जैसे पोलो में लगवाना है या किसी और गाड़ी में लगवाना है, तो हर चीज़ के लिए हर टायर अलग अलग लग जाता है। और अलॉय जो भी चूज करो, टायर जो आप चूज करेंगे वो मिल जाएंगे खाली, और खाली अलॉय व्हील्स में अगर कोई लेना चाहे तो चाहिए, खाली अलॉय व्हील मिलेंगे, खाली टायर चाहिए खाली टायर में भी डील करते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसा चाहोगे वैसे मिल जाएगा, कंपनी से लेके आफ्टर मार्केट तक अपने पास सब अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं जितनी अलॉय व्हील्स की रेंज है, ये सारी स्टॉक अलॉय व्हील्स है। ये भाई महिंद्रा थार का, शायद ये महिंद्रा थार का है, ये VW का है, वो स्विफ्ट का है, वो पुराने i20 SX4 न्यू क्रेटा टॉप मॉडल ऑप्शनल, ये ओल्ड क्रेटा का, ये क्रूज का, वो बलिनो का, i20 का, बलिनो का, होंडा सिटी, आईवीटेक, ये सारे आप देख सकते हैं। ये स्टॉक अलॉय व्हील्स है जो OEM टॉप मॉडल में लग के आते हैं, बहुत लोगों की डिमांड होती है, जिनको आफ्टर मार्केट नहीं जाना वो इनको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, और ये बिल्कुल नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन होते हैं, बिल्कुल OEM तो कंडीशन है। अभी थार को कितना टाइम हुआ है, थार का ही देखो, सफारी को कितना टाइम हुआ है, सफारी में देखो, और थार के आप थार का देख सकते हैं, एक स्क्रैच भी नहीं है, ये मेरे ख्याल से 2,000-4,000 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे, इतने चल रहा है। और ये न्यू वाली सफारी का, न्यू वाली सफारी का, वो एक्सा का सारा मिल जाएगा, नेक्सॉन का, वरना टॉप मॉडल फरहान भाई, मेरे को नहीं लगता कि इतनी लेटेस्ट गाड़ियों का और किसी के पास हमारे यहाँ होगा अवेलेबल, है ना, मिल जाता है। बाकी ये कि जो चीज़ जो वैरायटी है मिल जाएगी ना, पूरी मार्केट गारंटी है, वो पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी इतनी प्राइस के अंदर, प्राइस में भी और क्वालिटी में भी, ठीक है भाई। तो 15 के बाद सबसे जो हमारे सबसे ज्यादा रनिंग साइजेस है 16 और 17, ये सारा जितना भी दिख रहा है 16-17 में ही दिखेगा आपको। तो आप डिस्प्ले देख सकते हैं, बाकी सिनेमैटिक्स के अंदर आपने सारे डिजाइन देख लिए होंगे। कुछ भी आपको डाउट लग रहा हो या कोई अलॉय हमसे छूट जाए, तो भाई स्क्रीनशॉट लेके भाई को भेज सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे। तो भाई ये जो अलॉय में देख रहा हूँ X2 का, ये यूज्ड है, ये यूज है, लेकिन ये बिल्कुल नेक्स्ट न्यू कंडीशन में लग रहा है। और इसकी क्या प्राइस है, 16 इंचेस में किस प्राइस से स्टार्ट हो जाता है? 16 इंच में अगर खाली रिम लेते हो, खाली रिम 18,000 रुपये के मिल जाएंगे, और टायर समेत लोगे तो 25,000 रुपये का बजट मान के चलो। यही इसमें 17 इंच में जाओगे तो 30,000-35,000 रुपये का, हल्की बजट में आओगे तो फिर में थोड़े बहुत सेटिंग वाला टायर मिलेगा। तो रन भाई सबसे रनिंग सबसे अफीम 17 इंचेस में ये देख लो, पेंटेड अलॉय है, लेकिन ये पेंटेड लग रहा है, काफी अच्छी सफाई है, पेंटेड अच्छी क्वालिटी का पेंट होता है, ये नॉर्मल पेंट नहीं होता, अच्छी क्वालिटी का पेंट होता है अपने पास, ठीक है। इसके अलावा कौन से हमारे पास 17 इंच में ये मिल जाएगा आपको प्लाटी। और भाई ये देख सकते हो ये पोलो के लिए 5 वोल्ट, और भाई ये अलॉय में तो सबसे अलग सबसे यूनिक, और इसका जो ये हार्ड ये ब्लैक क्रोम के अंदर है, और ये मेरे को लगता है कहीं आपको देखने को, मैं तो मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखा इस लाइन में होते हुए भी। तो इसकी अगर हम बात करें प्राइस की, ये पड़ेगा 42,000 का, नया सेट है, पेटी पैक, ये ब्रांड न्यू है, ब्रांड यूज नहीं है, यूज नहीं है। और टायर जो होंगे इसमें टायर होंगे मतलब स्टिकर वाले रिम है, 2 इसके छोटे आते हैं, 2 पतले आते हैं, स्टैगर्ड रिम, स्टैगर रिम, ठीक है। तो ये पड़ जाएगा आपको 42,000 का, 42,000 का विद टायर, विद टायर, विद टायर। टायर हमारे कौन से ब्रांड के होंगे इसमें? टायर आपको प्रेली का मिल जाएगा, प्रेली टायर, और टायर देख सकते हैं प्रेली का है, और ये मुश्किल से 2,000-4,000 किलोमीटर भी नहीं चलेंगे, बिल्कुल 4,000 किलोमीटर, बिल्कुल नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन है। देन अगर हम बात करें उसके अलावा वोजन, वोजन डिजाइन DDW 18 इंच, ये 18 इंचेस है, 18 इंचेस की क्या वो है प्राइस? 18 इंचेस के मतलब 40,000 से 45,000 रुपए की कॉस्ट आती है, 18 इंचेस में आपको 4-5 डिजाइन मिल जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये भी हमारे 18 इंचेस है, और ये भी हमारे 18 इंचेस, ये प्रेस्टीज डिजाइन का लॉय है, ये प्रेस्टीज का, ठीक है। और बाकी सारे डिजाइन जो कॉमन है उनको हम नहीं दिखाते, और एक लॉय बहुत स्पेशल है आप लोगों के लिए, वो है BBS व्हाइट कलर के अंदर 17 इंचेस 10J, सबसे यूनिक है 10J। ये जो कलर आती है ना सिंगल, मतलब BBS में ये सिंगल कलर आती है, दूसरा डेमो इसका ये है, BBS में कुछ इस टाइप का आता है, जो गाइस मेरी गाड़ी में लग रहा है वो सिंगल कलर है, वो भी ये डबल कलर आता है 10J में, एक एक कलर ये रहा और एक कलर ये रहा 10J के अंदर है। ये 10J जिन लोगों को नहीं पता होगा, 17 इंच अलॉय का साइज है, 17 इंचेस का अलॉय है, 4 होल के अंदर वो ये कवर है BBS, इसके अंदर ये एलन की से खुल के वो नट का अंदर छुप जाता है, हाँ जी। इसकी चौड़ाई है वो है 10J। तो ये प्रेफरेंस हमारा स्विफ्ट आई ट्वेंटी वरना बहुत सारी गाड़ियों में लग जाता है। और टायर इसमें कौन सा लगा? योकोहामा का, योकोहामा का टायर भाई, नया ये भी यूज है, यूज है बहुत कम, ठीक है, 10%। ये देख सकते कितने इसमें गुड्डी चीज, कितनी बढ़िया चीज है। इसके अगर हम प्राइस की बात करें, ये भी 45,000 रुपए का मान के चलो, बाकी जो होगा, क्योंकि हमारे पास जब गाड़ी आती है ना तो उसका जो माल गाड़ी में लगा हुआ था, जो टायर लगे हुए हैं, जो रिम लगे हुए हैं, उसकी कोई कॉस्ट लगाता नहीं है,
तो उसकी वैल्यू लेस करने के बाद ये आपको कम पकड़ जाएगा, उसकी वैल्यू लेस होगी जो आपके गाड़ी में लगा हुआ है, उसके पैसे देख के लेस करते हैं। ठीक है। और अगर हम भाई एक मेरा पब्लिक की तरफ से क्वेश्चन है, अगर कोई बंदा जिसको कोई पर्टिकुलर डिजाइन चाहिए हो और आप पे डिस्प्ले में ना हो तो हम अरेंज करा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो कितने टाइम में? आपको व्हाट्सअप कर दीजिए, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, जो भी चाहिए अरेंज में करवा दूंगा। टायर अलाइवल किसी भी गाड़ी का कुछ भी हो, अरेंज करवाना मेरा काम है। ठीक है। तो भाई इन डिस्प्ले के अलावा OEM में भी अगर कोई ऐसी गाड़ी है जिसका अलॉयबल भाई यहाँ पर डिस्प्ले में नहीं है, तो आप भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, जो भी हो अवेलेबल करा देंगे। चलो भाई, बहुत जिसने अफीम बन रखी है वो स्कॉर्पियो, ब्रेजा, क्रेटा 20 इंच, 18-18, 19-19 इंच, तो बड़े साइजेस पे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 19 इंच से। 19 इंच से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मिल जाएगा 5-spoke वोसन 19 इंच में। तो आप देख सकते हैं ये हमारे 19 इंच का है। ये सारे मिल जाएंगे 19 इंच में। 19 इंच की प्राइस अगर मैं बात करूँ तो 19 इंच में देखो मैक्सिमम 60-65 हज़ार रुपए का बजट आएगा इसमें। जो वैल्यू मतलब वही वाली बात, जो आएगा वो लेस कर देंगे। इसमें 60-65 हज़ार रुपये खर्चा आएगा आपका 19 इंची में, इंक्लूडिंग टायर्स। इंक्लूडिंग टायर, ठीक है। और भाई अगर इससे बड़े हम साइजेस में जाते हैं 20 इंच, 20 इंची में आ जाओगे तो और ज्यादा मतलब कॉस्ट भी हो जाएगी, और डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। हमारे पास कौन कौन से डिजाइन अवेलेबल है 20 इंच में? 20 इंच में सबसे लेटेस्ट डिजाइन तो देखो यही है इस टाइम सबसे ज्यादा रनिंग, सबसे ज्यादा। अपने इंस्टाग्राम खोल लो भाई, जितनी स्कॉर्पियो थार दिख रही है रीलों के अंदर, सब में यही अलॉय इंस्टॉल, ये वाला अलॉय मिलेगा। और सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है 19 इंच में ही है। ये 19 इंच के अंदर है और आफ्टर मार्केट अलॉय है। टायर इस पे 275/40R19, लेकिन कहीं से भी आफ्टर मार्केट नहीं लग रहा है। ये लग रहा है कि कंपनी से लग के आया है। और जैगुआर का लोगो कैप लगने के बाद तो लग रहा है जैगुआर का OEM ही है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी इंक्लूडिंग टायर्स, इंक्लूडिंग टायर ये पड़ेगा आपको मतलब 80,000 रुपए का सेट पड़ेगा ये। 80,000 रुपए का। हाँ। तो भाई इसका इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होने का कोई पर्टिकुलर रीजन? पर्टिकुलर रीजन ये कस्टमर की डिमांड पे ही मंगा रखा है ये चीज। ये स्पेशल स्पेशल, ठीक है। और इससे अगर 20 इंच, ये भी 19 इंच है। अब ये मर्सिडीज का नहीं है, ये रेप्लिका होते हैं। आप जो कहेंगे उसकी हम इस पे कैप लगा के दे देंगे। कैप लग जाती है, मर्सिडीज लगा लो, प्लाटी लगा लो, वॉसन लगा लो, कुछ भी लगा लो, कैप का कोई नहीं है। और भाई ये BMW वाला जो अलॉय है, ये जनरल BMW का है, ये ओरिजिनल BMW का है। और इसमें योकोहामा का टायर चढ़ा हुआ है और टायर का जो साइज है 235/50R18। तो इसकी अगर मैं बात करूँ इंक्लूडिंग टायर्स क्या पड़ेगा? इंक्लूडिंग टायर ये पड़ जाएगा आपको 55,000 रुपए का सेट। 55,000 रुपए का सेट, ठीक है, विद टायर। ये OEM BMW का ओरिजिनल जो कंपनी से लग के आता है, ठीक है। अगर हम 19 और इसमें बात करूँ, ये अलॉय काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, अलग लग रहा है, ये क्या साइज है? ये यूनिवर्सल का, यूनिवर्सल कंपनी का रिम है, ठीक है, ठीक है। इसमें ये वही वाला रिम है, स्टैगर वाला, स्टैगर दो चौड़े और दो पतले आगे वाले। ये स्टैगर रिम्स गाइस, जिनको नहीं पता उनको बताया था, जो रियल व्हील गाड़ियां होती है उनके अंदर परफॉर्मेंस के लिए कंपनीज भी और आफ्टर मार्केट में स्टैगर रिम्स रिकमेंडेड होते हैं, क्योंकि उनके जो पीछे वाले टायरों में पावर होती है, जिसमें जो पीछे वाला टायर होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है और आगे वाला थोड़ा सा कम चौड़ा होता है। तो इसकी मैं बात करूँ इसकी अगर साइज की, तो 18 इंच के अंदर है। कॉन्टिनेंटल का इसके अंदर टायर है। टायर साइज भी आपको मैं दिखा दूं, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं अदर बहुत लोगों की वीडियो में। 235/50R18 कॉन्टिनेंटल का टायर है। इसकी मैं अगर प्राइस की बात करूं तो ये पड़ जाएगा आपको 56,000 का इंक्लूडिंग टायर्स। इंक्लूडिंग जो भी प्राइस बताएंगे, इंक्लूडिंग टायर बताएंगे इसमें, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो जो हम अलॉय स्पेशली कवर कर रहे हैं, जो थोड़े से अलग दिख रहे हैं, अगर जितने कॉमन अलॉय व्हील्स है उनके लिए प्राइस के लिए भाई को परेशान कर सकते हैं। तो भाई अगर मैं बात करूं इससे बड़े 20 इंच में हमारे क्या क्या अवेलेबल है? प्लाटी, ये भी स्कॉर्पियो के अंदर बहुत ज्यादा डिजाइन इन है। और इसमें जो टायर देख सकते हैं स्कॉर्पियो में, थार में। जी, एक मेरा क्वेश्चन था कि बहुत लोग कहते हैं कि 20 इंच के अंदर जो लो प्रोफाइल टायर डालते हैं उसके अंदर ब्रांडेड टायर नहीं आते, ऐसा भी है? ब्रांडेड मतलब जो भी आएंगे ना, क्योंकि देखो इंडिया में ऐसी कोई गाड़ियां बनी नहीं है जिनके मतलब कंपनी टायर बनाए 20 इंच के स्टॉक नहीं आते। तो ये जितने भी टायर आएंगे ना, ये सारे मतलब इंपोर्टेड टायर होंगे, ठीक है। सारी बात सच है जो बोलते हैं लोग, बोलते हैं बिल्कुल सच बोलते हैं, क्योंकि 17 इंची में भी कोई गाड़ी ऐसी नहीं है। पर अभी तो खैर इको स्पोर्ट आई है जिसमें इंडियन टायर में 17 इंची में छोटे हाइट में बन गया, ठीक है। अभी मतलब 1700 ऊपर कुछ नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। तो ये प्लाटी का ओरिजिनल अलॉय है, प्लाटी का ओरिजिनल अलॉय डिजाइन नहीं है, ठीक है। इसमें अगर मैं टायर साइज की बात करूं तो 275/45R20, ये स्पेशल स्कॉर्पियो के लिए है। आप थार भी लगा सकते हो, ये मतलब ऐसा साइज है जो मतलब बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि टायर अड़ रहा है, टायर अड़ रहा है, ये अड़ने भिड़ने का मतलब इसमें कोई चांस नहीं है। वो OEM है, लगा हुआ मतलब चला हुआ, बिना परेशान हुए। इसकी मैं अगर बात करूँ प्राइस, इसकी प्राइस की बात करते हो, ये पड़ेगा 90,000 रुपए का सेट।
90,000 रुपए का इंक्लूडिंग टायर ठीक है। कंप्लीट सेट, सेट का मतलब यही है कि चार पीस का सेट होगा, ये सेटअप फोर होगा, चार पीस का सेट होगा विद टायर होगा। और भाई बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इस बात पे, जितने भी टायर बताए वो एक पीस के नहीं, चार टायर, चार अलॉय व्हील्स के इंक्लूडिंग फिटिंग वो तो यहाँ पे अगर गाड़ी यहाँ पर आ जाती है तो करवा के देंगे। अगर मतलब इंडिया, दिल्ली से बाहर मंगाना है, इंडिया से बाहर अभी नहीं है, दिल्ली से बाहर अगर मंगाना है तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। पैन इंडिया शिपिंग अवेलेबल है भाई को, एड्रेस वगैरह कहीं भी, कहीं भी। और पेमेंट पहले करनी पड़ेगी, पेमेंट हमारी एडवांस होती है। ठीक है, 20 इंच में और क्या क्या डिजाइन अवेलेबल? X2 के अंदर सबसे कॉमन है ये 5-spoke डुअल टोन के अंदर जो आता है, इसमें भी टायर प्रोफाइल सेम है भाई, सेम प्रोफाइल के टायर होंगे, पर इसमें टायर में थोड़ी सी सेटिंग मिलेगी, ये आपको सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला टायर की क्वालिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी है, अच्छी क्वालिटी का है, इसमें थोड़े सा जो बोलते हैं ना गुड्डी कटा हुआ, गुड्डी कटा हुआ, ये वो चीज है। ठीक है, ये होता है गुड्डी कटा हुआ, ये होता है गुड्डी कटा हुआ। ठीक है, और इसके अगर प्राइस की बात करो उससे कम भी होगा फिर तो? बिल्कुल, ये 65,000 रुपए का सेट पड़ जाएगा आपको। ठीक है, पर ये है कि चलता बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलता बढ़िया है। ये है कि जो कस्टमर मांगते हैं कि हाँ जी हमें सिर्फ शौक पूरा करना है, तो उसके लिए ये चीज हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है, और आजकल तो सबसे कॉमन साइज हो गया 17-20 नॉर्मल हो गया बिल्कुल। 17 इंच के अलॉय व्हील्स विदाउट टायर कितने स्टार्ट हो जाते हैं अपने पास? 20,000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है विदाउट टायर, विदाउट। और 20 इंच का विदाउट टायर कितने स्टार्टिंग हो जाती है? 40,000 रुपए से। ठीक है, तो बहुत लोगों के सवाल, बहुत लोगों के चाह होते हैं कि वो अपने जो अलॉय व्हील्स में टायर है वो ब्रांड न्यू डलवाएं, no तो problem, उनके लिए 17 इंच में 20,000 से स्टार्ट है और जो 20 इंच के हैं वो 40,000 रुपए से स्टार्टिंग। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है डिजाइन और क्वालिटी के ऊपर, वो ये बेस प्राइस है कि इससे कम नहीं मिलेगा। ये भी है हमारे पास 20 इंच में, ये भी है 20 इंच में वॉसन में, ये 20 इंच में मैक्स में है, और एक ये रहा 20 इंच में जो आपको पहले दिखा चुका हूं। आपने देखा होगा ये सबसे कॉमन डिजाइन है, इसका जो है ना जीरो ऑफसेट वाले रिम होते हैं जिसके जो टायर गाड़ी के अंदर ही रहता है, आप देखा होगा ये कॉनकेव नहीं है बिल्कुल भी, ये कौन नहीं होगा बिल्कुल भी, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बिल्कुल जो स्ट्रेट होगा उसमें गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगा, और जो कौन वाला होगा जो बीच में सेंटर में अंदर जाएगा वो गाड़ी से बाहर निकलेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आजकल बहुत लोगों की डिमांड है, पहले लोग कहते थे कि गाड़ी से बाहर आना चाहिए, अब चाहिए रिम बड़ा भी लगाना लेकिन अंदर रहना चाहिए, अंदर रहना चाहिए गाड़ी के। तो इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं, ये विद टायर आपको चारों पीस विद टायर ये आपको पड़ जाएंगे 60,000 रुपए के, 60,000 रुपए के इंक्लूडिंग टायर। ठीक है, और आप देख सकते हैं गाइस ये दो डिजाइन तो अफीमो रखे हैं, ये तो जो BMW की M सीरीज आती है M5 के रेप्लिका अलॉय व्हील्स है, डिजाइन BMW सीरीज में आता है ये। इसकी अगर मैं बात करूँ सेम प्राइस, नहीं प्राइस इसका अलग होगा, इसका प्राइस आएगा 85,000 रुपए, 85,000 इंक्लूडिंग टायर। इसकी भी टायर प्रोफाइल बता दो, 275/45 R20 मिलेगा, ठीक है। ये साइज ऐसा है बिल्कुल जेन्युइन फिट है, ना कहीं अड़ने की प्रॉब्लम, ना कहीं बढ़ने की प्रॉब्लम, गाड़ी में फिट करवाओ, चलाते हुए लेके जाओ मजे से, ठीक है। और कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई मैंने 45 की प्रोफाइल देखी, 45 की प्रोफाइल तो बहुत कम होती है भाई, 45 जो होती है ना 45% होता है 275 का, 275 होती है हमारे टायर की विड्थ, 45 होता है 275 का 45%, एंड आर मतलब रेडियल, 20 इंचेस का जो हमारा अलॉय व्हील का साइज है। अब हम बात करते हैं भैया मेन जो हमारा अलॉय व्हील है BVS की, इसकी अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि टायर ना रिम से बाहर है और टायर ही है, इसकी चक्कर, इसके रीजन ये होता है कि ये जो टायर होते हैं स्ट्रेच टायर होते हैं, और अलॉय व्हील हमारा 10J है, और इतना चौड़ा टायर डालना इसमें गाड़ी मारना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होता, इतना टायर आता ही नहीं है कि हम इसमें 255 का टायर लगाएं, तो इसलिए हमें 225 वाले ही टायर को इसमें स्ट्रेच करके लगाना पड़ता है, क्योंकि जो 17 इंच में सबसे चौड़ा 225 आता है शायद, 225 यही साइज है इसमें, 225/45/17, तो इसमें यही लगाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसमें 235 भी लगाओगे तो गाड़ी में सक्सेस नहीं होगा, 245 लगाओगे, 255 लगाओगे सक्सेस नहीं होगा, तो इसलिए हम इसी को प्रेफर करते हैं और इसी को स्ट्रेच करते हैं। और जो BVS रिम्स होते हैं इनमें जो लुक आती है वो भी स्ट्रेच टायर की आती है, आप देखोगे यहाँ पे एक इसमें लिप होता है जो बाहर होता है, ऐसे टायर हमारा इसमें ऐसे होता है कर्व के अंदर। इसकी अगर हमने प्राइस की बात करें तो 42 बताएं आप, 42 बताएं लास्ट 42 वो कर लेंगे जो भी, क्योंकि भाई ये जो है ना ये एडिटर्स चॉइस कह सकते हैं, जैसे कि कलेक्शन एडिशन है, ये हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो का किंग है ये वाला लॉय, और भाई मेरे को पर्सनली इतना ज्यादा बढ़िया लगा है। तो भाई अगर हम बात करें इस वाले BVS की, क्या साइज है इसका? इंचेस 16 इंची, 16 इंचेस के अंदर है, 16 इंचेस में है, खाली व्हील चाहिए खाली व्हील मिलेंगे, इसमें टायर चाहिए आपको टायर मिलेंगे इंक्लूड, ठीक है। और दोनों का प्राइस बता दीजिए, इंक्लूडिंग टायर जो होंगे तो इसपे वो आएगा आपका 22,000 रुपए का, मतलब अगर हल्के टायर लोगे, बड़े टायर लोगे, जैसे टायर के जो टायर होता है ना जी, सब टायर की हमारे पास अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, एक क्वालिटी का ही टायर होता है, ठीक है। ये आपको 6,000 रुपए के 4 टायर मिल जाते हैं, ये हल्की क्वालिटी के, ये हल्की क्वालिटी के अंदर जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो मिलते हैं 10,000 रुपए के मिनिमम टायर, 10,000 रुपए के 4 टायर मिनिमम टायर 16 इंची में, 16 इंची के अंदर। और खाली रिम लोगे तो 18,000 रुपए के मिल जाएंगे आपको BVS। और रिम की
टूटने फूटने की तो ऑब्वियसली कोई नई की भी वारंटी नहीं देता, आती नहीं है। हमारे पास किस चीज की वारंटी है? हमारे पास वारंटी सिर्फ इस चीज की, गाड़ी में फिट करवाओ, फिटमेंट करवा के अगर ज्यादा ही कस्टमर को जैसे नहीं होता विश्वास तो शोरूम पे ले जाके व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट करवा के दे देंगे। इतनी हम मतलब इतनी गारंटी दे सकते हैं, और हमारी 7 डेज की फुल गारंटी होती है। 7 डेज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसके लिए हम एक्सचेंज करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है। तो अरन भाई, मेरे चैनल पे एक वीडियो डली हुई है जिसके अंदर मैंने रिसेंट में अपने अलॉय व्हील लगवाए थे। मैं अलॉय व्हील से टोटली सेटिस्फाई हूँ, लेकिन मैंने जो टायर लगवाए थे वो सेकंड हैंड थे और चारों अलग अलग ब्रांड के थे। तो मैंने अपने व्यूअर्स को बता रखा है कि मैं नहीं प्रेफरेंस देता कि मेरे को पुराने टायर लगवाने चाहिए, ठीक है, मायापुरी से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, ठीक अब है। आप इस लाइन में हो और आप इस चीज में डील भी कर रहे हो, ठीक है। तो आप मेरे को कोई ऐसा क्या जवाब दे सकते हो मेरी बात के, जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ, या मेरे व्यूअर्स को जिनका सवाल है कि नए टायर लगाने चाहिए तो पुराने क्यों नहीं लगाने चाहिए और पुराने क्यों लगाने चाहिए? पुराने जो आपने बोला ना, क्योंकि मतलब क्योंकि मेरी गाड़ी में ना लहर मारती है वो, ठीक है। बंदों को जो बजट होता है ना, बजट के हिसाब, देखो बजट के हिसाब से बात होती है, ठीक है। कोई भी कहीं भी कुछ भी लोग है, आपको अगर पैसे फालतू देने हैं तो चीज़ बढ़िया मिल जाती है, ठीक है। अगर पैसे फालतू लेने के बाद भी गलत काम करें तो वो है धोखा। हमारे पास इस शॉप पे ये आपको काम कहीं कभी भी नहीं मिलेगा। जिस चीज़ के पैसे लेंगे, जो बात बताएंगे, वो जो बात मैंने पहले बोली है वही बात फिर बोल रहा हूँ। जो चीज़ लेंगे, जो चीज़ बताएंगे, हमारी बात बिल्कुल कट टू कट होगी, गारंटेड होगी, टेंशन फ्री होगी। कभी भी आ जाओ इस चीज़ के लिए। जो बोल दिया गुड्डी कटा हुआ तो गुड्डी कटा हुआ, चारों टायर एक जैसे बोलेंगे तो जो बात बोलेंगे वही उसी बात पे फैक्ट है बिल्कुल हमारा। और मेरे को कोई शौक नहीं किसी को भी डिफेम करने का। मैं नहीं बताना चाहता कि मैंने किससे टायर लिए थे मायापुरी में, और हम भाई के पास भी आए थे लेकिन भाई के पास वो पर्टिकुलर साइज अवेलेबल नहीं था। तो भाई अब कोशिश करेंगे भाई से ही लगवाएंगे, अब चेंज कराएंगे। तो अब एक बार अपनी दुकान का एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह बता दीजिए। दुकान का एड्रेस, फ़ोन नंबर सब इस कार्ड पे है, आप कार्ड को स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ठीक है। D1 Oblique 8 मायापुरी फेज 2 अपनी शॉप का एड्रेस है। और फोन नंबर एक बार बता दीजिए। फोन नंबर 8586878456। अरहान मेरा नाम है, कभी भी कॉल करो, बेफिक्र हो गया, पर सुबह 10 बजे के बाद और शाम को 8 बजे तक सिर्फ। भाई थोड़ा सा देख के कॉल करे करो, किसी की फैमिली भी है भाई, घर भी है, परिवार का पहला रोल है भाई। बिल्कुल भाई। अगर हम बात करें स्टॉक अलॉय व्हील्स की, बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि अभी तक मैंने स्टॉक नहीं कवर करा। स्टॉक में सबसे जो रनिंग गाड़ी है, सबसे पहले स्विफ्ट ले लेते हैं। स्विफ्ट में आ जाओ। स्विफ्ट के आप देख सकते हैं ये ZXi प्लस का अलॉय है, ZXi का नहीं है। ZXi जो भी चाहिए हमारे पास सब अवेलेबल हो जाएगा। हमारे पास देखो यहाँ पे स्पेस कम है, वरना सारा आ सकता है। बाकी ये है कि संडे को थोड़ा सा हमारा ज़्यादा लग जाता है, संडे मतलब वर्किंग डेज में इतना भी नहीं लग पाता, ठीक है ना। जो भी आपको चाहिए, जिस भी गाड़ी का, कंपनी का, किसी भी गाड़ी का चाहिए हो, सिर्फ एक बार व्हाट्सएप पे मुझे आप उसका फोटो भेजो, प्रेजेंट सब कर दूंगा, किसी भी गाड़ी का लाइवल टायर प्रेजेंट सब हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसमें मोटी मोटी का रेट ले लेते हैं। थार का अलॉय विद टायर प्राइस, थार का विद टायर यह पड़ जाएगा आपको 50,000 रुपए का सेट, कंडीशन बिल्कुल टायर के नए जैसी। नेक्स्ट कुछ बिल्कुल नए टायर है। सफारी इंक्लूडिंग टायर 60,000 रुपए सफारी, ठीक है। डस्टर इंक्लूडिंग टायर्स, डस्टर नहीं है ये किया का है, इस पे कैप डस्टर की लगा, अच्छा ये डस्टर की कैप लगी हुई, ठीक है, किया का है। ये HTX वेरिएंट का है शायद, है ना, ओल्ड वाले वेरिएंट, ओल्ड वाले डायमंड कट का सोनेट में भी आता है, ये सोनेट वाला वेरिएंट है, ठीक है। इसका डायमंड कट हो रहा हमारे पास, ठीक है, डायमंड वो देख सकते हैं अंदर रखा हुआ है, मिल जाएगा इसमें। तो इसका प्राइस क्या है? ये आपको 18,000 रुपए का सेट पड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये पोलो GT का है, प्राइस MU वाला, MU में आ रहा है ये, खाली रिम पड़ जाएंगे आपको 23,000 रुपए के, ठीक है। स्विफ्ट टॉप मॉडल इंक्लूडिंग टायर ये पड़ जाएगा आपको तकरीबन 26,000 रुपए का, और खाली रिम 16,000 रुपए के, ठीक है। SX4 इंक्लूडिंग SX4 का ये पड़ जाएगा आपको खाली रिम 14,000 रुपए के, विद टायर 24,000 रुपए, ठीक है। और भाई सबसे ज्यादा अफीम क्रेटा SX ऑप्शनल इंक्लूडिंग टायर ये पड़ जाएगा आपको 34,000 रुपए का, और खाली रिम लोगे 24,000 रुपए के, ठीक है। तो जितने मोटे मोटे जो गाड़ियां आजकल रनिंग में चल रही है उन सबके हमने प्राइस बता दिए, बाकी आप देख सकते हैं हम पे स्टॉक जो अवेलेबल है, आपको 23,000 रुपए के, विद टायर चाहिए तो विद टायर की कॉस्ट लगाएगी, ठीक है। और भाई अगर हम बात करें सियाज की, सियाज टॉप मॉडल, ये बेस्ट मॉडल है सियाज का, सिल्वर वाला, टॉप से एक नीचे वाला आता है, टॉप से नीचे वाला है, ये 15 इंच में, वो 16 इंच में आता है, ग्रे फिनिश में। ये पड़ जाएगा आपको खाली रिम लेना है 16,000 रुपए के, विद टायर लेना है 26,000 रुपए के, ठीक है। ये वरना का SX का है, ये वरना SX का है, टॉप से जो एक नीचे आता है, टॉप में डायमंड कट आ जाता है, टॉप में डायमंड कट वाला वो भी दिखाएंगे आपको, वो भी अभी दिखा देंगे, वो भी हमारे पास है। इसके क्या प्राइस है इंक्लूडिंग टायर्स? इंक्लूडिंग टायर पड़ जाएगा आपको 26,000 रुपए का सेट, ठीक है। ये स्विफ्ट का है, स्विफ्ट का 14 इंची, ये वो है जो शायद एसेसरी के तौर पर शोरूम से मिलता है, शोरूम पे मिलता है, ठीक है। ये क्या प्राइस है? ये खाली रिम 14,000 रुपए का, ठीक
ठीक है भाई, तो हम दिखा रहे थे वरना टॉप मॉडल SX सबसे ऊपर, तो ये है वरना SX ऑप्शनल जो टॉप मॉडल में लग के आता है। और योकोहामा अर्थोन का टायर है, ब्रांड न्यू बिल्कुल। क्या प्राइस है इंक्लूडिंग टायर्स? इंक्लूडिंग टायर पड़ जाएगा ये 44,000 इंक्लूडिंग टायर्स। गाड़ियां जो बहुत डिमांडिंग में है, फॉर्च्यूनर ओल्ड, स्कॉर्पियो S11 एंड किया सोनेट GT लाइन, तो तीनों के प्राइस बता देंगे एक बार। खाली बिल चाहिए, खाली बिल मिल जाएंगे 22,000 रुपए के। 11 के चाहिए, खाली बिल जाएंगे 24,000 रुपए के बिल। फॉर्च्यूनर के चाहिए 20,000 रुपए के खाली बिल। और ये तीनों में से कोई रिपेंटेड नहीं है? तीनों ओरिजिनल है? नहीं, ये ओरिजिनल है, ये रिपेंटेड है, ये रिपेंटेड है। और फॉर्च्यूनर का तो बिल्कुल OEM ही कलर, यही कलर आता है कंपनी, बिल्कुल जनरल कलर यही है। ठीक है भाई। और अरन भाई, हम पीछे टायर का स्टॉक देख सकते हैं, टायर हमारे पास, अगर जिसको अलॉय नहीं लेने, बहुत सारे हमारे कमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं भाई टायर अंदर आ जाइए, जो कि यूज टायर यूज करते हैं टैक्सी वाले भाई हमारे जितने होते हैं, अगर अलॉय से हटके किसी को स्टॉक टायर चाहिए तो टायर हमारे पास कितने से कितने तक रेंज स्टार्ट हो जाते हैं? हमारे पास टायर टायर की जो रेंज है 600 रुपए वाला टायर, गुड्डी कटा हुआ टायर जो होता है 600 रुपए से, 600 रुपए का गुड्डी कटा हुआ टायर मिलता है हमारे पास। तो 600 रुपए वाला टायर यूज हम शायद जो किसी का बजट नहीं है स्टेपनी वगैरह में डालने के लिए बढ़िया, स्टेपनी में डालने के लिए, वैसे जो बंदा मानता है कि मुझे सिर्फ इमरजेंसी में भाई कुछ किलोमीटर चलाना है या इमरजेंसी में मेरा से कोई मिस हो गया, किसी का मैं गाड़ी लेके गया था वो टायर मेरे से फट गया, तो इसलिए मुझे सिर्फ मतलब काम चला हुआ वाला काम वो कर देते हैं, वो भी करते हैं। और जेन्युइन टायर किस रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं? जेन्युइन टायर देखो आपको सारे मिल जाएंगे, बड़े कंडीशन के टायर मिलेंगे। तो भाई जितना घी डालोगे, जितना मीठा डालोगे उतना मीठा मिलेगा, तो जितना प्राइस जो भी और ट्रांसपेरेंसी अगर गुट्टी कटा होगा तो बोल के बता के देंगे, और बढ़िया ब्रांड न्यू होगा वाला काम नहीं अपना। और अगर कोई चाहता है कि अलॉय वो आपसे सेकंड हैंड लेता है लेकिन वो टायर नए लगवाना चाहता है, तो आप ये अरेंज करा देंगे? नहीं बिल्कुल अरेंज करा देंगे, यहीं पर बैठे बैठे जो भी चाहिए, मैं कह रहा हूँ ना टायर अलाइविल के अकॉर्डिंग कुछ भी चाहिए हो, कैसा भी चाहिए हो, अरेंज कराना मेरा काम है। ठीक है, चाहे नया हो चाहे सेकंड हैंड, कैसा भी स्टॉक है सारा, ये सारा माल पैक हुआ रखा हुआ है बंदे का, ये सारे ये कुरियर का सामान है सारा, ये सारा कुरियर का हुआ है, सारा कुरियर का जाएगा। तो भाई ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो थी जिनको थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली मॉडिफिकेशन चाहिए, और एक मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज स्टार्ट करने की जिनके अंदर जितनी मॉडिफिकेशन की वीडियोज आएंगी, एसेसरीज की वीडियोज आएंगी, वो तो टोटली पॉकेट फ्रेंडली होती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, उनकी इतनी इनकम वगैरह नहीं होती। तो अलॉय व्हील्स के लिए तो हमारे को हमने बता दिया भाई, अरन भाई को अलॉय व्हील्स के लिए परेशान करो, भाई को टायर के लिए परेशान करो, फोन नंबर डिस्प्ले पे आ रहा होगा और 10 से 8 के बीच में कॉल करना बेफिक्र। ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जिनको भी इंटरेस्ट है वीडियो के अंदर अपने साथियों के साथ अपने फ्रेंड्स के वीडियो को जरूर शेयर करो। टिल देन बाय।